सामाजिक कार्यकर्ताओं और गांधीवादियों के तमाम विरोध प्रदर्शन को दरकिनार कर उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने शनिवार को राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ परिसर में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। जिला प्रशासन आरपीएफ पुलिस फोर्स की मौजूदगी में परिसर स्थित गांधी विद्या संस्थान और सर्व सेवा प्रकाशन भवन को ध्वस्त कराया गया। इस दौरान कार्यवाही का विरोध कर रहे गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सर्व सेवा संघ परिसर में स्थित डाकघर से सामान हटाने के लिए रेलवे ने 13 अगस्त रविवार तक का समय दिया था। गौरतलब हो कि राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ परिसर 8.07 एकड़ जमीन में है। परिसर में बड़ा भवन और 50 आवास बने हैं, 4 संग्रहालय भी हैं। संघ की जमीन पर मालिकाना का हक दावा जिलाधिकारी के कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद रेलवे प्रशासन ने परिसर से कब्जा हटाने और भवन ध्वस्त करने का नोटिस चस्पा कर दिया था। बीते 22 जुलाई को परिसर में रखा सामान बाहर प्रशासन और रेलवे की टीम ने निकलवा दिया था। इसके विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन में किसान नेता राकेश टिकैत, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव और मेधा पाटेकर भी शामिल हुई थी। इसके पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित अन्य नेताओं ने भी ट्वीट कर विरोध जताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सर्व सेवा संघ की याचिका खारिज होने के बाद रेलवे प्रशासन ने आज ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी। पूर्वाह्न 10 बजे से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की गई। ध्वस्तीकरण के दौरान सर्व सेवा संघ के संयोजक राम धीरज सहित 20 की संख्या में सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मुख्य द्वार के पास बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिर भी कार्यवाही नहीं रुकी तो गांधीवादी सड़क पर लेट गए। कार्यकर्ताओं के उग्र तेवर को देख पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। कोर्ट क्या, कोर्ट की भी नहीं मान रहे, किसी की भी बात नहीं मान रहा है। इन्होंने तो सारे जो कभी भी नहीं होता है यहाँ नियम बदल करके एक दिन में एक गलत आदमी से, एक फर्जी आदमी से एप्लीकेशन ले करके उसको उन्होंने जांच करवा ली, उसके आधार पर रिपोर्ट लगा दी, सर्व सेवा संघ का नाम खारिज करके रेलवे का नाम चढ़ा दिया। तो ये तो शुद्ध रूप से सरकार है और जो वो दबंगई से गुंडई से सारे कानून को धता बता करके कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। हम न्यायालय भले न साथ दे, लेकिन हम जनता के बीच में जाएंगे और प्रोटेस्ट को हम लगातार जारी रखेंगे।